अजमेर के कोतवाली थाने में रिक्शा फ्रेंचाइजी के नाम पर 1 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए एसआई भगवान सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के पट्टी कटला इलाके में रहने वाले राकेश गर्ग पुत्र नारायण गर्ग ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनसे ई रिक्शा की फ्रेंचाइजी के लिए लीवो इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की ओर से संपर्क किया गया और उन्हें आश्वस्त किया गया कि उन्हें ई रिक्शा डिलीवरी की जाएगी और इसकी एवज में उनसे 1 करोड़ 10 लाख अलग अलग माध्यमों से लिए गए, लेकिन ना तो ई रिक्शा डिलीवरी हुई और न ही पैसे लौटाए गए। इस संबंध में पीड़ित की ओर से शिकायत भी पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई, जिसको लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीड़ित के अनुसार उन्होंने 65 लाख एक बार, 10 लाख एक बार और 26 लाख एक बार दिए और उन्हें लेकर अपनी कंपनी मालिक पीयूष त्यागी, ओम चोपड़ा और कविता त्यागी के साथ ही राम चोपड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पैसे के ट्रांजैक्शन के साथ ही इस मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। ये एक परिवादी है राकेश गर्ग पुत्र नारायणगढ़ निवासी पट्टी कटला अजमेर, जिनकी राजश्री ट्रेड विजन नाम से कोई कंपनी है। इन्होंने वर्ष 2023 माह अगस्त में दिल्ली की एक कंपनी है लीवो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से ई रिक्शा के लिए कोई प्रतिबंध वो किया था, करार किया था, जिसमें इन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए उस कंपनी को दे भी दिए और उस कंपनी के वो खोले। बाद में इनको पता चला कि वो कंपनी ई रिक्शा नहीं बनाती, मात्र असेंबलिंग करती है। इन्होंने पैसे वापस की मांगे तो कंपनी ने माल वापस भेजने का कहा। इन्होंने माल भी भेज दिया और पैसे भी नहीं दिए। कौन सी कंपनी है और कहाँ की कंपनी? ये दिल्ली की कंपनी है लीवो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक हैं पीयूष त्यागी, ओम चोपड़ा, कविता त्यागी और रमा चोपड़ा। इन्हीं चारों के खिलाफ धारा 420, 420, 120 BIPC में मुकदमा दर्ज किया गया है और अनुसंधान हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र कर रहे हैं।